हेलो एंड वेलकम गाइज, फोरम एमकेएस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए फोरम एमकेएस चैनल को और पाइए कि किसके फोरम कब ब्रेच आएंगे। सो गाइज, इस चैनल पे आपको ऑल इंडिया के बीएससी नर्सिंग, जीएनएम और एएनएम के फॉर्म कब ब्रेच आएंगे उसकी जानकारी आपको मिलेगी 100%, और पैरामेडिकल और फार्मेसी की भी इसी चैनल पर आपको मिलेगी। ठीक है, सो गाइज, जो स्टूडेंट 2021 में एप्लीकेशन फॉर्म बनना चाहते हैं बीएस नर्सिंग का, उनके लिए बहुत ही बड़ा यहाँ पर नोटिफिकेशन है और बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी, आप इसे मान सकते हो ऑल इंडिया वालों के लिए यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है, सो यहाँ पर नोटिफिकेशन आ चुका है, तो थोड़ा सा हम इसको जूम आउट करके यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए बीएस नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेकर ये नोटिफिकेशन बहुत सारे रिलीज हो चुके हैं और इम्पोर्टेंट नोटिस है, और लास्ट डेट भी हम आपको बताएंगे और ये नोटिस क्या बोल रहा है ये भी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। और जिन्होंने अप्लाई कर दिया है एम्स में, क्योंकि हर बच्चे का सपना होता है एम्स में जाना, क्यों होता है, क्योंकि ये इंडिया की टॉप कॉलेज है। जब आप बाद में कहीं पर आप टॉप कंट्री भी जॉब करोगे ना, सबसे प्रायोरिटी आपको ही होगी। ठीक है, यानी कि आपका अगर यहाँ पर नंबर आ गया तो 100% आपका सिलेक्शन, 100% जॉब है। ठीक है, 100% यहाँ पर प्लेसमेंट आप मान सकते हो और होगा आपका, क्योंकि आप तैयारी अच्छी कर रहे हो। अगर नहीं कर रहे हो तो फिर कैसे होगा। अब आप बोलेंगे सर घर बैठे तैयारी कैसे करें, तो हम करवा रहे हैं ना तैयारी, यूट्यूब सबके पास है। यूट्यूब पे आपको क्या सर्च करना है, ये देखिए सब फ्री अप कॉस्ट है। यूट्यूब पे बस सर्च करना है JKLOAN JOB, जेकलोन जॉब, ये लोगो और ये नाम आपको मिल जाएगा। इस पर आप क्लिक करना है और ये वीडियो सेक्शन पर चले जाना है। ये हमारा मेडिकल कॉलेज, हमारा पिक आपको दिख जाएगा। तो आपको बस ये देखो बहुत सारे ऑलमोस्ट 1000 स्टूडेंट यहाँ पर रोजाना क्लास को अटेंड कर रहे हैं। ठीक है, प्रिपरेशन के लिए तो आपको भी यही करना है। ठीक है, ये देखिए इनका तो समझो 100% सिलेक्शन है गाइस। क्यों, क्योंकि ये तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पर तो इनका सिलेक्शन होगा, चाहे अपने स्टेट में हो, जिम्बर में हो, एम्स में हो, कहीं ना कहीं तो इनका हो ही जाएगा। तो आप भी इस चैनल को फॉलो कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, या फिर आप सर्च करके भी कर सकते हो। ओके गाइस, तो ये नोटिफिकेशन हम देख लेते हैं, यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग फाइनल रजिस्ट्रेशन, तो इस पे हम क्लिक कर देते हैं और इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो डाउनलोड हो रहा है अभी और ये ओपन भी हो चुका है। 18 मई 2021 को ये नोटिस आया था। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन फॉर बीएस नर्सिंग कैंडिडेट हु हैव कंप्लीट फाइनल रजिस्ट्रेशन बीएस नर्सिंग कोर्स 2021 सेशन रिक्वायर्ड एक्सरसाइज ऑफ सिटी चूज। अब आप बोलेंगे सर सिटी चूज क्या, सिटी चूज आपको करनी होगी गाइस। आपको एग्ज़ाम कहाँ पर देना, एग्जामिनेशन सेंटर होता है ना, एग्ज़ाम देने आप कहाँ पर जाना पसंद करते हो। सबसे पहले आपका नियर बाय अपने पास का जो डिस्ट्रिक्ट है आप वही सेलेक्ट करोगे, तो आपको ये फॉर्म भरना होगा। ठीक है, तो ये पोर्टल है और ये वेबसाइट है, और 19 मई से 25 मई तक आपके ये मौका है। डेट है आपके लिए 25 मई लास्ट डेट है, और कैंडिडेट हुए कंप्लीट बेसिक रजिस्ट्रेशन। अब इसमें कुछ टर्म एंड कंडीशंस है, अगर आपके कुछ रह रहा हो भी, आरयूसी कोड आपने जनरेट नहीं किए हो, पेमेंट नहीं किया हो, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। अब आपको कैसे चेक करना है वो हम आपको बताएंगे, घर बैठे आपको कैसे चेकअप करना है। तो सबसे पहले तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट है ना इसकी, उस पर चले जाना होगा और हर रजिस्ट्रेशन आपको चेक करना होगा, क्योंकि बहुत सी बार अपनी लापरवाही से स्टूडेंट का साल बर्बाद हो जाता है। कुछ भी अगर मिस्टेक रहा ना तो गए काम से। तो हम यही चाहते हैं कि आपसे कुछ भी मिस्टेक ना हो, हम आपको गाइडेंस देते रहे और उसके अकॉर्डिंग आप एक्शन करते रहो। तो आपको पहले अपना जो फॉर्म आपने भरा होगा, जो पेमेंट आपने किया है, उनका क्या स्टेटस अभी चल रहा है, वो आपको देखना होगा। ठीक है, और ये सिटी चूज आपको करनी होगी, घर बैठे भी आप कर सकते हो सिटी चूज। ठीक है, तो सबसे ये रिक्वेस्ट है कि अपने आसपास की सिटी चूज करें, ताकि आपको वहाँ पर एग्ज़ाम देने में तकलीफ ना हो। ओके ओके, तो आपको ये सर्च कर लेना है अपने गूगल पे, www.ems.ems लिख देना, आपको मिल जाएगा ही। इस वेबसाइट पे आपको जाना होगा, जाने के बाद आपको क्या करना है हम आपको दिखा देते हैं, क्योंकि नोटिस आ चुका है, ये बोल रहा है कि आपको सिटी चूज करनी है। ठीक है, अगर आपका पेमेंट हो चुका है सक्सेसफुली, आरयूसी कोड आपने जनरेट कर लिया है, तो आपको अगला स्टेप सिटी चूज का है। सारे स्टेप हम आपको बताने वाले हैं। अब आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाना है, emsexam.ac.in, ये टाइप कर देना, यहाँ पर आप पहुँच जाओगे। ये है एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, तो यहाँ पर तो
सारे नोटिस दे रखे हैं, तो यहाँ से तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, ओनली नोटिफिकेशन रीड कर सकते हो। तो आपको अप्लाई कहाँ से करना है, तो ये एकेडमिक कोर्स है ना, इस पर आपको क्लिक करना है। चलो कर देते क्लिक। तो इस प्रकार का पेज ओपन होगा। अब यहाँ पर मेडिसिन में तो MBBS है, नर्सिंग में BSc है, पोस्ट BSc है, और पैरामेडिकल में BSc और बैचलर ऑप्थेलमिक है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, बेसिकली आपको BSc पे क्लिक करना है, क्योंकि आपका BS नर्सिंग का करना है पूरा का पूरा। तो चलिए इसको जूम कर लेते हैं और हम BSc पे क्लिक कर देते हैं। बहुत सिंपल है, यहाँ पर ये आ जाएगा इंपॉर्टेंट नोटिस, नोटिस रिगार्डिंग एम्स कोर्स, ठीक है। ये सारे आपको क्या करना है, इनको सबको देख लेना। अगर आप देखना चाहते हो तो पैरामेडिकल का भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा स्क्रॉल डाउन आपको करना है, उसके बाद आपको ये प्रोसीज वाले पे क्लिक करना है। ये लो, तो कुछ नया टैब ओपन होगा इस प्रकार का। तो यहाँ पर आपको क्या करना है गाइस, आपके पास देखो आपने जब फॉर्म भरा होगा तो बेसिक आपके पास लॉगिन होने के लिए कुछ ID और पासवर्ड आपको मिले होंगे, और वो तो आपके पास है क्योंकि वो पर्सनल चीज़ें होती है, वो किसी को बताने की दिखाने की नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपने रजिस्ट्रेशन ID और अपने RUC कोड आपने जो जनरेट किए थे, क्योंकि हमने वीडियो बनाया था कि जिन्होंने RUC कोड जनरेट नहीं किए तो कर लीजिए, तो वही आपको यहाँ पर इंटर करने हैं, और फिर पासवर्ड और फिर ये कैप्चर, क्योंकि सिक्योरिटी बहुत टाइट है गाइस एम्स की। यहाँ पर हर कोई इंटर ना कर सके, आपके साथ कोई धोखाधड़ी ना कर सके, इसलिए इतने सारे आपसे मांगे जाते हैं, और ये अपने पास रखना है, ठीक है। लॉगिन आपको हो जाना है। जब आप सक्सेसफुली यहाँ पर लॉगिन हो जाओगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। अगला ये लीजिए गाइस, आपका इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हर चीज़ आपको देख लेना है गाइस, आपका सारा फॉर्म आपके सामने होगा, आपका नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी प्रूफ ID वगैरह सब। तो यहाँ से अब ऊपर आप कुछ देख रहे होंगे, नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो इस पर थोड़ा सा आपको गौर करना है कि आपका अगर रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो यहाँ ग्रीन हो जाएगा, क्या आपने इमेज अपलोड किए कि नहीं है, अगर किए तो ग्रीन हो जाएगा, प्रिंट बेसिक रजिस्ट्रेशन हुआ कि नहीं हुआ, होगा तो ग्रीन हो जाएगा, क्वालिफिकेशन अगर आपने अपलोड नहीं की होगी तो रेड होगा, अगर आपने अपलोड कर दिया तो ग्रीन हो जाएगा, अगर आपका पेमेंट नहीं हुआ है तो यहाँ पर रेड होगा, अदरवाइज हो चुका है तो यहाँ पर ग्रीन होगा। ये आपका स्टेटस आप देख सकते हो। अगर आपने CT चूज नहीं किए तो ये रेड होगा, अगर आपने CT चूज कर लिए तो ये ग्रीन होगा। बहुत ही सिंपल है, पूरी 7 स्टेप होती है गाइस एम्स में अप्लाई करने की, 7 स्टेप, कितनी 7 स्टेप होती है। तो यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि आपके पास ID है, पासवर्ड है, तो आप खुद चेक कर सकते हो गाइस, और दूसरा कोई नहीं कर सकता इसको। तो ये चीज़ आपको देख लेनी है, ठीक है। अगर आपके कुछ प्रॉब्लम आ रही हो किसी में, पेमेंट में आपको रेड हो रहा हो, तो आपको एक्शन लेना होगा, क्योंकि फिर कोई बड़ी प्रॉब्लम में आप पा सकते हो, क्योंकि पेमेंट होना ज़रूरी है, ठीक है। अब आता है सिटी चॉइस का ऑप्शन, जो कि बहुत सारों ने नहीं किया, तो आपको क्या करना है, सिटी चूज करनी है। अब आप बोलेंगे सर कहाँ से करें, तो ये ऑप्शन किसके लिए है, ये सिटी चूज करने के लिए, घर बैठे कर लो आप सिटी चूज, ठीक है। तो ये एग्जामिनेशन सिटी चूज पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का नया पेज ओपन हो जाएगा, ये इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा गाइज आपके अपने मोबाइल पे। और यहाँ पर ये रेड रेड दिखा रखा है, क्यों दिखा रखा है, क्योंकि इसका प्रिंट अभी तक हमने नहीं लिया, तो कोई दिक्कत नहीं, ये फिलअप करके प्रिंट निकाल लेंगे। तो सिटी में सबसे पहले, जैसे कि सबसे स्टेट है हमारा राजस्थान, तो राजस्थान में जैसे मान लो हम सिटी चूज करना चाहते, तो हमारे आसपास का ज़िला जैसे कोटा मान लो, जयपुर मान लो, जो भी आपका नियर बाय है वो आपको यहाँ से फिलअप कर देना है। ये तो आपके सामने हो गया फर्स्ट ऑप्शन। एक और ऑप्शन है कि अगर इसमें मान लो स्टूडेंट फुल हो गए, ये नहीं मिला, तो अगला ऑप्शन फिर आपको अपना स्टेट चूज करना है और दूसरी सिटी यहाँ पर चूज करनी है, ठीक है। और ये भी अगर नहीं मिलता है तो तीसरी चॉइस आपको यहाँ पर करनी है, और उसके बाद चौथी यहाँ पर करनी है। ये काम आप घर बैठे भी कर सकते हो, अगर आपके पास ID पासवर्ड है अपने, कहीं पर भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। लॉकडाउन में अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप अपने मोबाइल से भी काम कर सकते हो। और उसके बाद आपको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद अगर आपके पास प्रिंट की सुविधा है तो आप अपने घर बैठे प्रिंट निकलवा सकते हो, अगर नहीं है तो आपको अपने ईमेल ID के थ्रू मार्केट से भी निकलवा सकते हो, क्योंकि प्रिंट निकलने के बाद ये ग्रीन हो जाएगा, और वो प्रिंट को संभाल के रखना है, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे वहाँ पर काम में आएंगे। तो अपने नज़दीकी सिटी को
चूज कीजिए गाइज, ये आपके सामने 25 तारीख तक मौका है, 25 मई लास्ट डेट है। तो आपसे यही गुजारिश है कि इसको जल्दी से जल्दी फिलअप कर दीजिए और बाकी कोई भी अपडेट आएगी तुरंत मिल जाएगी, बट आप तैयारी करते रहिए। सिलेक्शन ही पाना है तो गाइज ज़िंदगी बन जाएगी, अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो लाइफ सेटल हो जाएगी, अगर यहाँ पर आपका नंबर आ गया तो। लिंक नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, जेके लोन जॉब चैनल का।